जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज है नवमी का दिन और ये दशहरे के दिन वीडियो आ रही है, लेकिन ये एक दिन पहले की वीडियो है। आज नवमी है और जो नवमी है वो दिन के 12 बजे से लग रही है, इसलिए हमने दिन में 12:30 बजे कन्या जिमाई थी। और यहाँ पे प्रसाद बन रहा है माता के लिए, भोग बन रहा है, हलवा, पूड़ी, चने और साथ में आलू का झोल बन रहा है। और आप सभी को भी याद होगा कि बचपन में हम कैसे कन्या जिमने जाते थे, तो मुझे तो वो टाइम बहुत 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 अच्छा लगता था। पहले के टाइम पे 1 रुपये 2 रुपये मिलते थे, तो कितना मतलब सुकून मिलता था ना। जिनके घर से 2 रुपये मिलते थे ना, तो ऐसा होता था वाओ कितने रुपये मिल गए हमें। लेकिन अब के टाइम पे स्टार्टिंग ही 10 रुपये से होती है। चलो, रुपए की तो बात अलग है। जो ये माता का होता है नवरात्रि जिमाने का, ये मेन होता है श्रद्धा भाव से। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो रुपए का ही क्रेज़ होता है कि हमें पैसे मिल रहे हैं। तो यहाँ सोसाइटी में ज़्यादातर लोग 10-20 रुपये देते हैं और साथ ही में कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देते हैं बच्चों को। कोई पर्स देता है, कोई क्लिप्स देता है, कोई चिप्स, कुरकुरे, इस टाइप से। तो मैं भी फटाफट भोग बना रही थी, क्योंकि बेबी के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बनाने में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, हस्बैंड जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है मेरी बेटी को लेके इधर उधर कन्या जिमाने के लिए गए हुए थे। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, बेटी भी जो मेरी है वो ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, 6 साल की ही है, तो हम उसे अकेले कहीं भेजते नहीं हैं सेफ्टी पर्पज़ की वजह से। तो उसको मेरे हस्बैंड लेके गए थे इधर उधर कन्या जिमाने के लिए, और मेरा बेटा मेरे साथ था और मुझे भोग भी तैयार करना था, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। पूरा भोग बनाने में 2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि बीच बीच में बेबी को भी देखना था और भोग भी बनाना था। तो आपका कन्या पूजन कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि सबको भगवान स्वस्थ रखे और कभी भी किसी के जीवन में कोई भी दुख ना आए, और अगर दुख आ रहे हैं तो भगवान हमें शक्ति दे कि हम उस दुख से निपट सकें। तो ये सारा भोग मैंने तैयार कर लिया था और मैं बस यही सोच रही थी कि फेस्टिवल्स का ये पूरा टाइम चल रहा है, कैसे भी हो हमें अपना कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है। फटाफट से मैंने सारी कन्या 12:30 बजे जिमाई, बहुत ही अच्छा लगा। माता रानी से सबसे आशीर्वाद लिया कि हे माता रानी, मेरे स्वास्थ्य जो है उसे अच्छा रखिए, जिससे मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकूं, और साथ ही मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं पढ़ाई कर सकूं और जो मेरा मन है, जो मेरा सपना है वो पूरा हो सके। फिर सब कुछ करने के बाद मैंने फटाफट बर्तन बीच बीच में भी मैं धो रही थी, थोड़े बहुत थे तो मैंने कहा बाद में धोऊंगी। मेरा बेटा जो था वो सो गया था, तो मैंने सोचा कि फटाफट मैं पढ़ाई कर लेती हूँ जब तक वो सो रहा है, क्योंकि फिर वो उठ जाएगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और मेरी बेटी और हस्बैंड कन्या जिमने के लिए गए हुए थे, तो मैंने अभी फ़िलहाल मैथ्स निकाली थी, तो मैं मैथ्स के क्वेश्चंस कर रही थी। तो मैथ्स के मैंने 30 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस किए थे, और क्योंकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है ना, तो ऐसा अक्सर हो जाएगा, क्योंकि हाउसवाइफ फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। सुबह से रात सिर्फ और सिर्फ किचन में ही हो जाती है, खाना बनाना, बर्तन धोने, साफ़ सफ़ाई, इसमें ही सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि कंटिन्यूटी ब्रेक मत कीजिए। हो सकता है कि और दिन आपको 3-4 घंटे मिल जाएँ पढ़ने के लिए, लेकिन इस टाइम पे आपको यूटिलाइज़ करना है। अगर आपको 3-4 घंटे नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 1 घंटा भी मिलेगा, आधा घंटा भी मिलेगा, तो भी आप जारी रखिएगा, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है ना। अगर हम 2-4 दिन नहीं पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर मन नहीं करता है पढ़ने का। तो इसलिए मैं फेस्टिवल के टाइम पे भी मुझे जितना भी टाइम लेगा, आधा 1 घंटा, वो भी मैं पढ़ूँगी, क्योंकि वैसे भी इतना टाइम मिलता नहीं है। तो मैंने इस टाइम पर अपनी बुक्स निकाल ली थी, और मैथ्स करने के बाद मैंने अपने जो डेली IAS एकेडमी का मैंने कोर्स परचेज़ किया है, उससे मैं नोट्स बनाने लग गई थी। बहुत ज़्यादा आज पढ़ाई नहीं हुई है, वैसे भी मेरे जनरली 2-2.5 घंटे की पढ़ाई होती है, लेकिन आज 1 घंटे के आसपास ही मेरी पढ़ाई हुई। और मैं सोच रही थी 1.5 घंटे के आसपास मेरी दिन में पढ़ाई हो गई थी, मैं सोच रही थी कि रात में पढ़ाई हो जाएगी, मैं रात में पढ़ लूँगी, क्योंकि रात में जो है ना डांडिया फंक्शन था, तो मैंने सोचा मैं नहीं जाऊँगी और बच्चों को भेज दूँगी, और दोनों बच्चों को तो 1.5 घंटे की पढ़ाई मेरी रात में भी हो जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल हुआ नहीं। मेरी बेटी ने जिद किया कि मम्मी आप भी चलो, आप भी चलो, आप कभी भी कहीं नहीं जाती हैं। मैं मोस्टली नहीं जाती हूँ पढ़ाई की वजह से लगा लो, या घर के काम इतने होते हैं तो मैं मोस्टली जल्दी से जाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा भी नहीं था क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने जीत के, मम्मी आप कभी भी नहीं जाती हैं, आप मेरा फंक्शन देखने भी नहीं गई थी, मेरी बेटी ने गढ़वाली गाना गाया था स्टेज पे तो वो देखने भी नहीं आप गई थी, पापा को भेज दिया था, प्लीज़ प्लीज़ चलो। तो फिर मुझे जाना पड़ा, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, एंजॉय।